सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा एक वर्षीय शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहां प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष में, जिसको रजत जयंती वर्ष कहते, हम सबका संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन के साथ में मां नर्मदा के गोद से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन पाठ, अभिषेक, श्रृंगार और आरती, सेवा साधना संबोधि का भाव, शिव अवतरण का भाव, शिव की शरण में जाने का भाव और लाखों संवेदनशील हृदय, करुणाशील हृदय अपने हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए सक्रिय तेजस्वी जीवन जी सके, ऐसा इस यज्ञ से उनको शक्ति प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो। सेवा मिशन गत 25 वर्ष से 25 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियाँ, सेवा प्रकल्प जो संचालित कर रहा है जरूरतमंदों के प्रति, उनको और अधिक पुष्ट हो करके और व्यवस्थित हो करके और ऊर्जा और शक्ति इस यज्ञ से ग्रहण करके दायित्व बोध के साथ, कर्तव्य बोध के साथ अपने कार्य को और अधिक गतिशील बना सके, यही इसका हेतु। उसके साथ में चल रहे नित्य आत्मसंवाद अंतरयात्रा शिविर में आध्यात्मिक जीवन के सूत्रों पर बात, कुछ अभ्यास, उसी में से आज भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीता के 6वें अध्याय के 37वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अर्जुन वाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि और अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त हो करके किस गति को प्राप्त होता है।
अब वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति गुरु भाव है, पूज्य भाव है, और वो हमारी सभी समस्याओं का निदान करेंगे और उत्तर भी देंगे। अर्जुन की जगह पर हमको अपने को बैठाना है। जैसे सामान्य जीवधारी का प्रश्न होता है, सामान्य मनुष्य का प्रश्न होता है, हम सबके लिए जैसे सामान्य बालक प्रश्न करता है माँ बाप से, क्या पिताजी स्कूल जाऊं और परीक्षा दूं और फेल हो गया तो? ऐसा एक सामान्य जो बालक अपने माँ बाप से प्रश्न करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि योग पर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, जो टेक्निक, जो भी वैज्ञानिक टेक्निक है, प्रविधि है, वो चाहे ध्यान योग की हो, ज्ञान योग की हो, सांख्य योग की हो, भक्ति योग की हो, कर्म योग की हो, जो भी है, उस पर श्रद्धा भी है, आस्था भी है, विश्वास भी है, और रोज उसको संयम के साथ में करता भी है, लेकिन अंत काल में जिस समय शरीर से प्राण निकलते हैं, जीवात्मा निकलता है बाहर सूक्ष्म शरीर के स्वरूप में, उस समय कई बार बेहोशी के नाते, पीड़ा के नाते, या जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण से योग से विचलित हो गया। योग से विचलन का साफ साफ अर्थ है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के चरणों में स्थान पाने से थोड़ा सा विचलित हो गया। जीवन भर उसने साधना की है, तपस्या की है, योग की है, नरक तो मिलेगा नहीं उसको, यह भी तय है। इतना सब किया है, भौतिक कोई आकांक्षा है नहीं, ना सिद्धि की, ना प्रसिद्धि की, और ना इस धरती पर या स्वर्ग पर, कहीं नहीं उसको कुछ चाहिए। आकांक्षाएं तो है नहीं, तब उसको स्वर्ग भी नहीं उपलब्ध होगा, न उसको स्वर्ग मिलने वाला है, न उसको भौतिक जगत रहने वाला है। आत्म साक्षात्कार हो नहीं पाया, चूंकि उसकी साधना की अवस्था पूर्ण नहीं है। अब प्रश्न है, ऐसी जीवात्मा का क्या होगा? अब बिल्कुल प्रसत्त है प्रश्न, हम सबके जीवन में आता है, आएगा कि हमने पूरा जीवन लगा रहे हैं आपके कहने से, ये मंत्र जपो, ये साधना करो, ये ध्यान योग करो, ये ओंकार की ध्वनि करो, यम नियम्य जियो, प्रामाणिकता से जियो, सच्चाई से जियो, किसी के साथ छल प्रपंच मत करो, किसी के संपत्ति का अधिग्रहण या अपहरण मत करो, किसी के शरीर का मानसिक शारीरिक शोषण मत करो। ये सब बातें मैंने जीवन भर की, फिर अंत में एक शब्द नहीं चलता, गांव में कहावत, माया मिली न राम, न मैं तो यहां करा न वहां करा, कुछ नहीं मिला, तो ऐसी अवस्था में मेरी क्या गति होगी? आपने यथार्थ गीता नाम से पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद जी का भाष्य सुना होगा, पढ़ा होगा, बड़ा प्रसिद्ध देश दुनिया में। उन्होंने अपने गुरु जी के संबंध में, परमहंस जी के संदर्भ में कहा है उन्होंने, गुरु जी चित्रकूट रहते थे, अनुसुईया जी, जो लोग जाते होंगे चित्रकूट, वहां उनकी समाधि देखी होगी, तो उनके गुरु जी के संबंध में उन्होंने खुद कहा है कि हमारे गुरु जी को पूर्व के 7 जन्मों का याद था, परमहंस जी महाराज जी को 7 जन्मों का, उनका कि 4 जन्म में तो हम ऐसे ही सामान्य से साधु थे, तिलक चंदन लगाए और कमंडल लिए घूमा करते थे, अंत के 3 जन्म में थोड़ा गंभीरता से साधना की, लेकिन अंत में 2 इच्छाएं हमारी मृत्यु के समय आ गईं,
कि अगर गांजा पीते तो गांजा का स्वाद मिलता तो अच्छा रहता, और विवाह हो जाता तो स्त्री के साथ रहते सुख से। ऐसे दो भाव उनके मृत्यु के समय हुए। अब कहते हैं कि माने इस जन्म में माने गांजा वाला भी उन्होंने शौक पूरा किया और विवाह भी किया। इसके बाद उनको एक गुरु कृपा से जन्म जन्मांतर के संस्कार जो पिछली बातें थी उसके नाते परमहंस की अवस्था मिली और मुक्त हुए। अब एक बात महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो आज कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश में है, जो पडरौना नाम उसका है जिसका, उसके पास में एक छोटा सा कस्बा है राम कोला। अब उनके तीन प्रमुख शिष्य थे, उनमें से दो तो आज भी हैं। उन्होंने शिष्य को स्वप्न दर्शन दिए, संकेत दिया, जो भी दिया हो, कि पूर्व जन्म में मेरी यहां पर समाधि बनाई गई थी, मैं चूंकि संत था, स्थान में इंगित किया उन्होंने। और स्थान को जब खोद के देखा गया तो एक किसी व्यक्ति विशेष का अस्थि पंजर उपलब्ध हो गया। आज भी रामकोला में जो उनकी स्मृति में मंदिर बना है, आश्रम बना है, वहां पर सुरक्षित संरक्षित है। हमने स्वयं 2 साल पहले अपनी आंखों से देखा है, दर्शन किया है। अब उत्तर अपने आप मिल गया ना, अब इससे बढ़िया उत्तर क्या मिलेगा? कि जो भी आपने साधना की है, जप किया है, तप किया है, यम किया है, नियम किया है, पूजा की है, पाठ किया है, इतना होने के बाद भी अंत आपका, अंत में आपको वहीं पहुंचना है। अर्थात इस विषय में कल बात करेंगे अपन, लेकिन भगवान कृष्ण से प्रश्न है बार बार कि इसमें गति क्या होती है। एक संत का और उनकी बायोग्राफी लिखी है किसी ने, उन्होंने लिखा है कि मैं जीवन का अंत काल था मेरा, ठीक से याद नहीं, 7 या 21 दिन मेरी साधना शेष बची थी, 7 या 21 दिन ऐसा कुछ है, वर्ण भूल रहा हूं, 7 या 21 दिन में मैं पूर्णता को प्राप्त करता, लेकिन उस समय किसी ने मेरे शरीर की हत्या कर दी, मर्डर हो गया। उसके बाद मेरी आत्मा 700 वर्ष, एक दो नहीं, 5-7 वर्ष नहीं, 700 वर्ष इस ब्रह्मांड में भटकी है। फिर पुनर्जन्म मेरा हुआ है, इस जीवन में मैं पूर्णता को प्राप्त करूं, जितनी मेरी 3 दिन या 21 दिन की साधना शेष है इस जीवन में पूरा करना है। ये अनेक संतों के जीवन में उदाहरण मिलता है, घटनाएं मिलती हैं, पूर्व जन्म की स्मृति मिलती है, जन्म जन्मांतर से जो भी हमारे संचित संस्कार हैं, संचित अभ्यास हैं, पाप हैं चाहे पुण्य हैं, शुभ है चाहे अशुभ है, सही है चाहे गलत है, हमारे व्यक्तित्व में विद्यमान है हर समय, हर समय। जैसे कंप्यूटर का आप जैसे मोबाइल यूज करते हैं, ऑफ कर दिया, ऑफ ठीक है, मृत हो गया, डेड हो गया, बैटरी निकल गई या बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यानी प्राण निकल गया, फिर से बैटरी लगा दी, पावर बैंक में लगा दिया, आपने फिर से चार्ज कर लिया, तो जो डाटा उसमें है वो तो नहीं खोया ना, वो तो वही है, ज्यों का त्यों है। आपने देखा घड़ी का समय, उसका उस समय चलने लगा, जो भी डाटा आपने सेव जो भी किया है, नंबर या जो भी सेव किया है, जो भी वीडियो वाडियो जितने प्रकार के डाटा आपका सेव है, सबका सब विद्यमान है उसमें। ऐसे ही अपना भी होता है कि ये सारा का सारा विद्यमानता, जो भी हमारा
पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, राग है, द्वेष है, जितने प्रकार की आपने साधना की है, जप किया है, तप किया है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, लय योग, राज योग, सांख्य योग, जिसका भी अभ्यास किया है, जितना किया है, जैसे किया है, जिस अवस्था में किया है, उसके जो आपके व्यक्तित्व में संस्कार पड़े हैं, वो संस्कार सब विद्यमान हो जाते हैं। बस चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात है। नया शरीर लिया, फिर से चार्ज हो गया, पुराना ज्यों का त्यों है। इसलिए ये हर साधक का प्रश्न है, ये जीवधारी 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 मात्र का प्रश्न है। अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से जो भी हैं, उनके सामने दिल खोल करके बात रखिए, तभी आपके प्रश्नों का समाधान होगा। अर्जुन ने वास्तव में बहुत बड़ी कृपा की है। जैसे कोई गाय होती है, गाय का छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को देख करके उसको रंभाती है, प्रेम देती है, वात्सल्य प्रकट होता है और उसमें से दुग्ध की धारा, दुग्ध निकल पड़ता है, कुछ उसके बच्चे को मिलता है। लेकिन उसका उपयोग कौन करता है? समाज करता है, आपके बच्चे करते हैं, आपके परिजन करते हैं, आप करते हो। उसी प्रकार से अर्जुन तो निमित्त बन गया। आज बात करते करते अर्जुन पर और अधिक श्रद्धा हो रही है। काश अर्जुन न होता तो भगवान क्यों बोलते ऐसी बात, क्यों ज्ञान प्रकट करते, किसके लिए करते? हम इस सूत्र के आधार पर एक जिज्ञासु भाव, जिज्ञासा लेकर के आगे के श्लोक में कल प्रवेश करेंगे। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर, गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास शाखा हरिद्वार उत्तराखंड, ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICICI 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, एक वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219599552, ईमेल आईडी divyaprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।